बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बच्चों, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बच्चे, हम वर्ग सप्तम के पाठ्य पुस्तक गणित लेके आया हूँ, अध्याय 9, लाभ हानि, प्रश्नावली 9.1। और ये मेरा वीडियो चौथा वीडियो है बच्चों, प्रतिशत लाभ हानि का ये चौथा वीडियो है, और चौथा वीडियो प्रश्नावली 9.1 लेके आया हूँ। इसमें से प्रश्न जो है आपके पाठ्य पुस्तक जो है उसका प्रश्न 3, 4 और 5 लेकर आया हूँ बच्चे। इससे पहले जो हम लोग जो पढ़े हुए थे, मेरा थर्ड थर्ड वीडियो जो था उसमें क्रय मूल और विक्रय मूल जो है सो दिया हुआ था, और उसमें हम लोग प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। यहाँ बच्चे कुछ क्वेश्चन, कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि ये सब प्रश्न यदि आपको करवा देते हैं तो पाठ्य पुस्तक में जो इससे संबंधित जो प्रश्न है आप उसको आसानी से बना लेंगे। तो बच्चे आज प्रश्न हम लोग 3 देख रहे हैं। इसमें क्या है कि एक टीवी 5,500 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टीवी को जो है 5,500 रुपया में खरीदा गया है और 25% लाभ पर बेचा गया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में है, एक साइकिल को 2,500 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो साइकिल कितने रुपये में खरीदी गई थी। और पांचवा प्रश्न है कि एक रेडियो 540 रुपया में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं बच्चे तीनों प्रश्न जो है लगभग लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बारीक जो है सो अंतर है। हम लोग देखेंगे कि हाँ जो कुछ भी लाभ या हानि हो रहा है वो प्रतिशत के रूप में दिया गया है। और बच्चे हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर प्रतिशत में लाभ या प्रतिशत में हानि होती है, इसका मतलब हो गया कि उसका तुलना हम लोग हमेशा क्रय मूल्य से करेंगे। यानी कि 100 रुपये में खरीदी गई वस्तु उसमें जो है सो 25% का लाभ हुआ, यानी उसका विक्रय मूल्य 125 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 20% की हानि हुई, यानी कि वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई और उसमें जो है 20% की हानि हुई, यानी उसका विक्रय मूल्य 80 रुपये होगा। चलिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे। यहाँ पे जो है 25% लाभ हुआ है, यानी कि 100 रुपया की वस्तु पे 25% का लाभ हुआ है, इसलिए यहाँ पर बच्चों हम लोग इसके क्रय मूल्य को मान लेते हैं। मान लिया, टीवी का क्रय मूल्य, ₹100 है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, याद कीजिए फॉर्मूला को। विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है क्रय मूल्य, लाभ हुआ है, लाभ हुआ यानी क्रय मूल्य होगा जुड़ जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 100 प्लस 25, ₹125 है ना। क्रय मूल्य 100 रुपया हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125 रुपया। बच्चों यहां पर देखिए टीवी का क्रय मूल्य दिया हुआ 55 रुपया, तो हमको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य को निकालना है। तो जो चीज दिया हुआ है उसको हम जो है दाहिनी ओर में लिखेंगे, है ना, और जो चीज निकालना है वो हम लोग जो है उसको बाई ओर में लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर जो है 55 रुपये है, ये क्या है आपका? खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य है, इसको जो है हम लोग बाई साइड में लिखेंगे। इसको हम लोग एक नियम से बनाते हैं बच्चों, लिखेंगे जब क्रय मूल्य 100 रुपया, जब क्रय मूल्य 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य 125 रुपया, 125 रुपया। देखिए बच्चों हम लोग जिसको निकालना है उसको किधर लिख रहे हैं? दाहिने साइड में, है ना। तो जब 1 रुपया जब क्रय मूल्य होगा, जब क्रय मूल्य 1 रुपया, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य 125/100। बच्चों यहां पर प्रश्न दिया हुआ है कि 55 रुपये में खरीदा गया, यानी 55 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है। 55 रुपया जो है वो क्रय मूल्य है, तो 125 × 5,500/100। यहां नीचे हम लोग दोनों जीरो को कैंसिल करते हैं बच्चों, तो क्या हो गया? 125 × 55, तो 125 को 55 से गुना करेंगे तो हो जाएगा वो 6,875।
यानी कि 5500 रुपया में वस्तु को खरीदा गया और 25% लाभ पे जब बेचा गया तो कितना वो बिक्रेबल हुआ, और 775 रुपया। अतः अतः टीबी का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 675 रुपये। ये बच्चों ये मेरा आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे, है ना। बच्चों आपको जो हम पहला जो वीडियो लिखवा बनाए थे तो उसमें आप लोग कुछ फॉर्मूला भी लिखाए हुए थे, ऐच्छिक नियम के अलावा जो है एक फॉर्मूला मेथड से भी एक क्वेश्चन बनता है। चलिए बच्चों हम लोग फटाफट उस फॉर्मूला मेथड से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे वो क्वेश्चन जो है सो बनता है, फॉर्मूला मेथड से बनाते हैं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं दूसरी विधि, और दोनों विधि समान है बच्चों, दोनों में ही आप एग्जाम में लिखेंगे दोनों में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये एक अलग विधि है, दूसरी विधि, दूसरी विधि, दूसरी विधि में देखिए बच्चे कैसे बनेगा। तो देखिए यहां पर जो है सो क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी टीवी का क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना है, 5500 रुपया, 5500 रुपया। और यहां पर देखिए बच्चे प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ बराबर 25%। क्या चीज निकालना है बच्चे यहां पे, विक्रय मूल्य निकालना है, निकालना क्या चीज है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू इस तरह का क्वेश्चन मार्क लगाया गया है ना, हमको ये चीज निकालना है। तो बच्चे आप याद कीजिए उस पहला फॉर्मूला का जिसमें आप लोग एक फॉर्मूला लिखवाए हुए थे कि जब जिसमें लाभ होता हो और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बच्चों निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस प्रतिशत लाभ बट्टा 100 गुने क्रय मूल्य, है ना। चलो बहुत ही आसान है, यहां पर हम लिखेंगे 100 प्लस प्रतिशत लाभ कितना है, 25%, तो 25 लिखेंगे फिर बट्टा 100 गुने क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 5500 रुपया। तो 5500 लिखेंगे यहां पर, 100 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना, 125 बट्टा 100 गुने 5500, यही दोनों जीरो हम लोग कैंसिल कर देंगे, 125 को 25 से गुना करेंगे तो लोग पहले कितना आंसर आया था बच्चों, 6875, वही इसमें भी आएगा 6875, है ना बच्चे। ये फॉर्मूला मेथड से है, आपको आसानी से ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100 गुने क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आराम से इसका आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न जो है, एक साइकिल को 2500 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। बच्चे हम लोग इससे पहले वाला प्रश्न क्या देखें, इसमें लाभ हो रहा था और इसमें जो है हानि है, उससे थोड़ा सा ये अंतर इस क्वेश्चन में है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें जो है 2500 रुपये में बेचने पे, यानी बेचा जा रहा है 2500 रुपया, तब उसको 20% की हानि होती है। तो साइकिल कितने रुपये में खरीदी गई थी, यानी हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं कि मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपया है, मान लिया साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए बच्चों यहां पर हानि हुई है, इस चलते हम लोग क्रय मूल्य में हानि को घटाएंगे, है ना। हानि तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है 100 और ये हानि 20, हानि की 80 रुपया, है ना। तो यहां पर देखिए बच्चों यहां क्या दिया है, 2500 रुपया बेचने पे, है ना, ये विक्रय मूल्य है और हमारा क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना आया 80 रुपया। तो हमको निकालना जिस चीज को है उसको हम लिखेंगे दाहिनी साइड में, और जो चीज दिया हुआ है उसको बाई ओर लिखेंगे। चलिए एक ही नियम से बनाते हैं बच्चों, जब
जब विक्रय मूल्य 80 रुपया तो क्रय मूल्य 100 रुपया। इसमें एक रुपया निकालेंगे बच्चों, एक रुपया पे तो हो जाएगा 100/80। उसके बाद हम निकालेंगे कितना पे, 2500 रुपया पे, 2500 रुपया बेचने पे कितना करें मूल्य होगा, है ना, 2500 रुपया 100 × 2500/80। चलिए इसको कैंसिल कीजिए, 20 × 4 = 80, 20 × 25 = 100, फिर 4 × 4 = 24, यहां पर 1 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, 625 रुपये ऊपर बचे और नीचे जैसा 5 है, है ना। तो 625 को हम लोग 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 के 5, हाथ में 2, फिर 5 × 2 = 10 और 2 × 12 = 2, हाथ में 1, 6 × 5 = 30, अरे 31, 3125, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि अतः साइकिल का क्रय मूल्य 3125 रुपया। यही बच्चों मेरा आंसर हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक ही नियम से बनाए और बहुत आसान तरीके से बन गया, बहुत साधारण मैंने कैलकुलेशन का यूज हम लोग किया। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फॉर्मूला मेथड से भी ट्राई करते हैं बनाने के लिए, है ना, फॉर्मूला विधि से बनाते हैं। दोनों विधि में यदि हम पारंगत हो जाएंगे बच्चे तो फिर हम मैथ में जो है बहुत अच्छा मतलब मार्क्स ला सकते हैं, है ना। चलिए इसी को लोग दूसरी विधि बनाते हैं, दूसरी विधि। चलिए बच्चे यहां पर क्या दिया हुआ है, बेचने पे यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है 2500 रुपया, है ना, और प्रतिशत हानि कितना है, प्रतिशत हानि 20%। निकालना क्या है बच्चे, यहां पर निकालना है क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, प्रश्न का चिन्ह देंगे बच्चे। हम जो पहला जो वीडियो बनाए हुए थे जिस पर लाभ हानि का जो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसमें हम तमाम उन फॉर्मूलाओं को लिख दिए हैं, जिसको आप बढ़िया से मैंने कंठस्थ कर ले, याद कर ले, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा 100/100 - प्रतिशत हानि गुने विक्रय मूल्य, है ना। यहां लिखेंगे 100 और यहां 100 घटाओ प्रतिशत हानि कितना हुई है 20%, हम 20 करेंगे और इधर में विक्रय मूल्य कितना है 2500, इसलिए 100/80 × 2500। चलिए बच्चों कैंसिल करेंगे, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, फिर 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। चलिए 25 को 625 से गुना करेंगे तो हम लोग पिछले बार कितना लाए थे बच्चे, गुना करके 3125 रुपया, है ना, 3125, ये मेरा आंसर हो गया। दोनों मेथड बच्चे बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से है, आप जो है इसी दोनों तरीकों को अपनाएं ताकि अधिक से अधिक जो है आप गणित में पारंगत बने होते जाएं। बच्चे हमेशा की तरह फिर आप लोगों को 3 और 4 क्वेश्चन हम बना दिए, आप जो होंगे एकदम बहुत ज्यादा उत्तेजित होंगे कि सर हमको 5वां क्वेश्चन छोड़ दें, हम आसानी से बना लें, ये जिम्मेवारी बच्चों हम आपको दे रहे हैं, आप 5वां क्वेश्चन स्वयं अपने से बना लें। फिर बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रश्नावली का कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन है उसको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज मेरा क्लास इतना ही समाप्त होता है, धन्यवाद बच्चों।